आपको हमारा चैनल डेवलप गुरु में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेलवे बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण ट्रेन को शुरू करने की तारीख घोषणा कर दी है और ट्रेन के टाइम टेबल में बहुत बड़ा फेरबदल किया गया है। आखिर तक जरूर सुनेगा और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करेगा क्योंकि ऐसे न्यूज में ही लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। धनबाद से महाराष्ट्र के कोल्हापुर जाने वाली 010546 दीक्षाभूमि एक्सप्रेस को चलने की घोषणा के साथ ही रेलवे ने कई बदलाव भी कर दिया है। इन ट्रेन के टाइम टेबल में बड़ा फेरबदल किया गया है जिससे कोल्हापुर तक जाने वाली यात्रा लगभग एक दिन पहले ही पहुंच जाएगी। साथ ही कोच कंपोजिशन में भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जनरल से थर्ड एसी तक की कोच के साथ चलने वाली इस ट्रेनों में आप सेकेंड एसी कोच भी जुड़ेगा। सेकेंड एसी कोच जोड़ने का निर्णय पहली बार लिया गया है। हालांकि सेकेंड एसी जुड़ने के साथ ही स्लीपर का एक कोच कम हो जाएगा। 11 स्लीपर कोच के साथ चलने वाली ट्रेन में 10 स्लीपर कोच होगी। थर्ड एसी में कोई फेरबदल नहीं होगा। जनरल कोच भी पहले की तरह 3 ही रहेगी। इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। 19 फरवरी से चलने वाली ट्रेन में 16 फरवरी के सुबह से बुकिंग शुरू होगी। धनबाद से 22 फरवरी से चलने वाली ट्रेन के लिए टिकट बुकिंग 17 फरवरी को शुरू हो जाएगी। थैंक यू।